न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। आइए देखते हैं ऐसी कुछ खास खबरें। उर्फी जावेद क्यों करना चाहती थी सुसाइड। बिग बॉस OTT से फेमस हुई उर्फी जावेद इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है। वह हमेशा सुर्खियों में रहती है। अपने आउटफिट की वजह से वह हर जगह पर छाई हुई। उनकी अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस उन्हें हमेशा चर्चा का विषय बनाती। उनकी आए दिन अपने आउटफिट के साथ वह एक्साइटमेंट करती रहती है और काफी एक्सपेरिमेंट वह उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। कई जानते हैं कि उन्हें सुसाइड क्यों करना। उर्फी जावेद एक बेहद पॉपुलर TV एक्ट्रेस है। उन्हें कई बड़े शो में देखा गया है। उर्फी जावेद ने भले ही अपने शोज किए हैं, वो कितनी अच्छी एक्टर है या कोई जानता है। एक्ट्रेस की पहचान अपनी एक्टिंग या शोज की इतनी नहीं है जितनी सोशल मीडिया और अतरे के कपड़ों की वजह से है। उर्फी जावेद इंस्टाग्राम और ट्विटर पर काफी एक्टिव है और उसी के लिए फेमस भी है। क्या आप जानते हैं कि आज जो उर्फी जावेद इतनी पॉपुलर है, एक समय में वो काफी परेशान थी। उनकी ऐसी हालत थी कि वह अपनी जान तक देना चाहती थी। उर्फी जावेद के दिमाग में क्या चल रहा था और वे अपनी जान क्यों देना चाहती थी और फिर ऐसा क्या हुआ जो वो रुक गई और अपने जिंदगी में बढ़ गई। आई जानते हैं उर्फी जावेद क्यों करना चाहती थी सुसाइड। उर्फी जावेद के जीवन में एक ऐसा समय आया था जब उनके पास कुछ एक्ट्रेस को काम नहीं मिल रहा था। उनके जीवन में प्यार नहीं था और क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया था और आसपास सब कुछ बिखर चुका था। तमाम बार वह जिंदगी में एक्ट्रेस ने ठोकरें खाई थी और वो गिरी है और उन्होंने ऐसा लग रहा था कि उन्हें परेशानियों से घेर लिया हुआ है। ऐसे में एक्ट्रेस का मन कर रहा था कि वो अपनी जान दे दे और सुसाइड। फिर कैसे बदला उर्फी का दिल। उर्फी जावेद का कहना है कि उन्होंने खुद को संभाला और समझाया कि वो अभी जिंदा है और फिर चाहे वो कोई भी मुश्किल हो क्यों ना आए, वो जिंदा ही रहना चाहती है और जीना चाहती है और जीना नहीं छोड़ेगी, हर मुश्किलों से लड़ेगी। उर्फी जावेद कहती है कि आज भी उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, पैसे की कमी आज भी उन्हें महसूस होती है, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो हार नहीं मानेगी, आगे बढ़ती रहेगी। और उन्होंने फैंस को बताया है कि वह एक मुस्लिम मुश्किल आपको जितना डराती है आपको अंदर से उतना ही मजबूत करती रहती है। मनोज बाजपेयी ने द फैमिली मैन 3 की रिलीज डेट को लेकर दिया हिंट। हाल ही में मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में द फैमिली मैन के बारे में बात। एक्टर ने जीवन की बेहतरीन फिल्म के बारे में बताया है और सीजन को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने उस पर एक हिंट दिया। मनोज बाजपेयी की फैमिली मैन सबसे पॉपुलर इंडियन वेब सीरीज में से एक है और यह सीरीज फैंस को काफी पसंद आ रही है। लोगों ने द फैमिली मैन के दोनों सीरीज देख चुकी है और वह काफी पसंद आए हैं। लोग अब इसे थर्ड पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में मनोज बाजपेयी ने द फैमिली मैन 3 को लेकर बड़ा हिंट। हाल ही में मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू के दौरान द फैमिली मैन के बारे में बात की है और एक्टर ने सीजन 3 को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने कुछ जानकारी दी है। सीजन से अपने खुद का एक स्टाइल को कॉपी करते हुए एक्टर ने कहा, आज ही सुबह एक चिड़िया उड़ते हुए मेरी खिड़की पर बैठी हुई थी और हमें कहा शायद शूटिंग इस साल के अंत में कर सकते हैं और हम लोगों ने उसे आगे पैसे बचाने के बाद सही हो गया तो शायद कर ली। फैमिली मैन सीजन 2 का प्रीमियर 2021 में हुआ था और वह अब तक फैंस सीजन 3 को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अब इस सीरीज में मनोज बाजपेयी एक रॉ एजेंट है और एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति होने के दोहरे जीवन में वह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाल ही में राज और डीके की वेब सीरीज फर्जी आई जिसमें द फैमिली मैन के मनोज बाजपेयी और चेलम सर का एक कैमियो दिखाई दिया था। शाहिद कपूर इस सीरीज में OTT की दुनिया में कदम रखा है और वही मनोज बाजपेयी के हाल ही में गुलमोहर में दिखे थे। अजय देवगन की भोला को मिली धोबी पछाड़। नानी की फिल्म दशहरा ने दूसरे दिन कमाए 53 करोड़। नानी की बहुप्रतिष्ठित पेन इंडिया फिल्म दशहरा सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी। इससे देश भर में प्रशंसकों के एक सलाम कुर्ता एंटरटेन किया गया है। फिल्मों को प्रशंसकों से शानदार प्रतीक्षा भी मिली हुई है और हासिल और सब फिल्मों को काफी पसंद किया गया है और फिल्म के बिजनेस है जिससे दूसरे दिन 53 करोड़ रुपए की कमाई। एक्शन से भरपूर यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हाई बेंच कार्ड किया हुआ है और वह भोला के पीछे छोड़ दी। इस फिल्म के श्रीकांत ओडेला ने निर्देशित किया हुआ है और जो की एक नानी के अब तक की सबसे अधिक बजट वाली फिल्म है जहाँ उसे आलोचनाओं से खूब सराहा गया है। और वही कुछ दिलचस्प दशहरा की एक तुलना KGF पुष्पा जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों से भी कर रहे हैं। हालांकि फिल्म देखने के बाद फैंस ने खुलकर फिल्म के बारे में बात की है और बताया है कि यह फिल्म बाकियों से कैसे अलग है। फिल्म दशहरा, KGF और पुष्पा के बीच की
गई तुलना पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, जब दर्शक सिनेमाघरों में आएंगे तो उन्हें एक नई दुनिया देखने मिलेगी। दसरा दिनों दोनों फिल्मों से विजुअली अलग अलग है और किरदार बहुत अलग है, और जब लोग दसरा के सिनेमाघरों में देखेंगे तो यह उनके लिए एक साधारण फिल्म अनुभव होगा। और एक दूसरे यूजर ने लिखा है, यह एक टिपिकल एक्शन थ्रिलर है की ज्यादा है, और यह फिल्म पूरे पैसा वसूल की फिल्म है। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने दावा किया है कि दर्शकों को भोला जैसे साउथ फिल्मों के बॉलीवुड रीमेक की बजाय वह ओरिजिनल साउथ कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। दसरा की मल्टी यूजर वह वर्ल्ड वाइड रिलीज फिल्म के कंटेंट के निर्माताओं ने विश्वास और व्यापक दर्शकों के लिए अपील करते हुए क्षमता दी है और वह गवाही देता है। वही केजीएफ और पुष्पा जैसे फिल्मों के अलग होने के बारे में फैंस के बयान है कि यह साबित होता है कि फिल्म बाकियों से अलग है, पर एकदम ही अलग है। कहा जा रहा है कि यह एक्शन से भरपूर फिल्म जिस नई दुनिया का अनुभव लोगों को कराया है, उन्हें भी ये फिल्म काफी पसंद आने वाली है। अगर आपको भी ये फिल्म पसंद आए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारा चैनल को लाइक भी दे सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया के तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।